तो आखिरकार बिग बॉस का कैसा रहा दिन, कैसे सबके गेम स्टार्ट हुए हैं, कैसे सबने एक दूसरे को नॉमिनेशन किया है और वोटिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली कौन चल रहा है टॉप पर और कौन है सबसे बॉटम में, पूरी खबर की जानकारी मैं आप तक लेकर आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT पर फाइनली धमाल और घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले तो अगर बात करें तो सभी के सभी कनेक्शंस टूट गए हैं, यानी कि सभी को मिल गई है आज़ादी। जहाँ कहीं ना कहीं सभी कंटेस्टेंट्स ये बोल रहे थे कि मेरे कनेक्शंस के साथ मुझे रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, मजबूरी के नाते मुझे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। कुछ अपने कनेक्शन से वाकई काफ़ी खुश थे, उनमें उनके साथ पप्पियाँ झप्पियाँ यानी कि लिपटना चिपटना सब करते थे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि अब इन्हें इन सभी कनेक्शन से छुटकारा मिल गया, तो अब इन्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सीधे से बता दूं कि यहाँ पर जो भी कनेक्शंस अलग अलग हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है, क्योंकि अब इंडिविजुअल गेम खेलना होगा और इंडिविजुअल लेवल पर जब गेम खेलना होगा तो गेम वीक पड़ सकती है सभी कंटेस्टेंट्स की। खास तौर पर आपको बता दूं कि मूज जड्डाना यहाँ पर काफ़ी परेशान दिख रही हैं जब से कनेक्शंस अलग हुए हैं। इसके अलावा नेहा भसीन भी रोती हुई नजर आई थी इसी चीज़ को लेकर। आपको बता दूँ कि कल नेहा भसीन के भी फूट फूट कर निकल रहे थे आंसू। तो यहाँ पर सभी को कहीं ना कहीं एविक्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है। अगर बात करें यहाँ पर नॉमिनेशंस की, तो आपको बता दूं कि राकेश बापट और निशांत भट्ट को छोड़कर बाकी के सभी घरवाले हो गए हैं एविक्शन के शिकार, यानी कि दिव्या, मूस, शमिता और प्रतीक, नेहा, ये सभी के सभी नॉमिनेटेड हो गए हैं, यानी नॉमिनेशन जोन में चले गए हैं। ऐसे में नॉमिनेशन टास्क में बेसिकली एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स को कन्फेशन रूम में जाना था और कंटेस्टेंट को करना था नॉमिनेट। ऐसे में सभी ने एक दूसरे का नाम लेकर नॉमिनेट कर दिया सभी को, जिसमें राकेश और निशांत तो सेफ हो गए, बाकी के सभी फंस गए जाल में। और अब आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी को नॉमिनेशन का खतरा सता रहा है कि कौन हो जाएगा एविक्ट, इस बार घर से बेघर कौन हो जाएगा। वोटिंग ट्रेंड्स की अगर बात कर ले तो नंबर टॉप पर वन पर चल रही है दिव्या अग्रवाल, सेकेंड पर चल रहे हैं प्रतीक सहजपाल, थर्ड पर चल रही हैं शमिता शेट्टी, फोर्थ पर आपको बता दूं कि मूज जट्टाना चल रही हैं और फिफ्थ पर है नेहा भसीन। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर वोटिंग ट्रेंड्स की बात की जाए तो टॉप पर तो हैं दिव्या, लेकिन बॉटम में है नेहा। नेहा वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी खौफ में है और सबसे बनाकर चल रही, क्योंकि उन्हें डर है कि वो कहीं एविक्ट ना हो जाए, इस नाते वो सबसे बनाकर चलने की कोशिश कर रही हैं, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर वोटिंग्स के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि तय हो चुका है कि नेहा भसीन को इस बार अलविदा कहना पड़ेगा शो को। हालांकि क्या होगा ये देखना और जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। अब आगे कौन हो जाएगा घर से बेघर, ये तो गैसेस ही कर सकते हैं आप सभी और हम सभी। सो बस आप कीजिए गैसेस फिलहाल कि इन सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से आपको क्या लगता है कि कौन हो जाएगा घर से बेघर। उन कंटेस्टेंट का नाम, एक नाम लिखकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।